बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आई एम नमीद नवाज़ एंड टुडे माई टॉपिक इज़ अबाउट क्लास 6 लेसन नंबर 3 चित्राल वैली क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज। आपको पता है कि फ्रॉम द लेसन क्वेश्चन आंसर नहीं है इस लेसन के, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेटा करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर इज़ चित्राल वैली सिचुएटेड। चित्राल की वादी कहाँ वाकई है? जो लेसन आपने पढ़ा बेटा वादी है चित्राल, चित्राल की वादी ये कहाँ वाक़ है, कहाँ मौजूद है? चित्राल वैली इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। चित्राल की वादी पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। ये जो शुमाली इलाका जात का नाम आप सुनते हैं, तो ये सारे इलाके पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ हैं, इसलिए इन्हें शुमाली इलाका जात कहा जाता है। तो इन्हीं इलाकों में एक इलाका वादी चित्राल भी है जो पाकिस्तान के शुमाल में है। क्वेश्चन 2 बेटा, व्हाट इज़ द हेड ड्रेस ऑफ द कैलाश वुमेन? कैलाश औरतों का हेड ड्रेस जो है, कैलाश औरतों की जो टोपी है वो क्या होती है, वो क्या चीज़ है? आंसर, द कैलाश वुमेन वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन शेल्स एंड बीड्स। कैलाश औरतें एक लंबी, ठीक है ना बेटा, टोपी पहनती हैं जो मुख्तलिफ बटनों घूंघों और मोतियों से सजी हुई होती है, ठीक है ना बेटा, माथे पे, ठीक है ना, एक पट्टी सी आती है और फिर पूरे हेड को वो कवर कर लेती है, और जो बैक है उस पर एक लंबी सी टेल नुमा, ठीक है ना, पोनी टाइप चीज़ होती है, तो वो उसे हेड ड्रेस कहा जाता है। और वो बहुत खूबसूरत होती है जो मुख्तलिफ बटनों घूंघों और मोतियों से सजी हुई होती है, ठीक है ना, ये कैलाश औरतें लाजमी पहनती हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 बेटा, व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली? चित्राल की वादी में सियाहों के लिए सबसे ज़्यादा कशिश वाली चीज़ क्या है, ठीक है ना, सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली चीज़ क्या है? तो द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन चित्राल वैली। मैंने आपको बताया था कि वादी चित्राल में ये जो कैलाश लोग हैं, दीज पीपल आर नॉन मुस्लिम्स, ये लोग गैर मुस्लिम हैं बेटा, मुसलमान नहीं हैं, तो इसलिए उनकी जो सकाफत है और उनकी जो रिवायात हैं वो हम मुसलमानों से अलग हैं, हमसे हट कर हैं, टोटली डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए जो सियाह वो पाकिस्तान के हों या गैर मुल्क से आए हों, ठीक है ना, फॉरनर्स हों, वो जाती हैं तो उनकी मेन अट्रैक्शन इनकी ट्रेडिशन एंड कल्चर है, इनकी सकाफत और रिवायत, ठीक है ना, जिसके तहत अपनी ये ज़िंदगी बसर करती हैं। तो चित्राल की वादी में सियाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश चीज़, सबसे ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली बात, ठीक है ना, कैलाश लोगों की सकाफत, कल्चर, सकाफत और रिवायत है, ट्रेडिशन बेटा रिवायत। व्हाई डू यू कॉल द पीपल ऑफ चित्राल वैली कैलाश? चित्राल की वादी में रहने वाले लोगों को हम कैलाश कहकर क्यों पुकारते हैं, हम कैलाश क्यों कहते हैं? आंसर बेटा, वी कॉल द पीपल ऑफ चित्राल वैली कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस। हम चित्राल की वादी में रहने वाले लोगों को कैलाश उनके काले लिबास की वजह से कहते हैं, ठीक है ना, आपको ने सबक में पढ़ा कि वादी चित्राल में रहने वाले लोग ज़्यादातर काले रंग का लिबास पहनते हैं, कपड़े जो हैं काले रंग के पहनते हैं, तो इसलिए वो कैलाश कहलाते हैं। क्वेश्चन 5 बेटा, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल? कैलाश लोगों के बारे में, ठीक है ना, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगती है, उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है? आंसर, आई लाइक फ्रेंडली नेचर ऑफ कैलाश पीपल द मोस्ट। ये लोग झगड़ालू नहीं हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं, तो इसलिए इनकी जो नेचर है वो बड़ी फ्रेंडली है, दोस्ताना फितरत है इनकी, तो यही, ठीक है ना, मैंने आंसर में लिखा है आई लाइक फ्रेंडली नेचर ऑफ कैलाश पीपल द मोस्ट। मैं वादी चित्राल में रहने वाले लोग कैलाश की दोस्ताना फितरत को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ,
मैं कैलाश लोगों की दोस्ताना फितरत को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद बेटा इंशाल्लाह इस लेसन की ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। फिल वक्त लेसन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 4 पोइम है बेटा, नज़म है, नाइट रात। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज, वेस्ट का मीनिंग बेटा मगरिब, वेस्ट का मीनिंग मगरिब। डिसेंड घटना, कम होना, यहाँ सबक में इसका मानी हम लेंगे गरूब होना के हवाले से। आपने ठीक है ना छोटी क्लासेस में डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, मैथ में ज़रूर पढ़े होंगे। तो डिसेंडिंग का लफ्ज़ आपका पहले से पढ़ा हुआ है मैथ के हवाले से, और उसका मीनिंग कम होना, घटना, ठीक है ना। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जब आप बढ़ते चले जाती हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बेटा। तो उस हवाले डिसेंड घटना, कम होना या गरूब होना। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है, सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन, सबसे पहले बेटा ग्रामर के हवाले से इसमें जो एक पॉइंट है उसे समझें। ये इम्फैटिक सेंटेंस है, ठीक है ना, जिन्हें उर्दू में हम ज़ोरदार फिक्रे कहते हैं, वो फिक्रे जिनमें किसी बात पर ज़ोर दिया जाता है, तो वो इम्फैटिक सेंटेंसेस होती हैं। अब द इवनिंग स्टार डज शाइन, इसमें जो मेन पॉइंट है वो डज शाइन का है। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हवाले से बात की जाए तो फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, डू और डज अकेले वहाँ यूज़ नहीं होते, लाजमी उनके साथ नॉट लगाया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले डू और डज आ जाती हैं। लेकिन यहाँ ना नेगेटिव सेंटेंस है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन उसमें ज़ोर देकर बात की गई है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड करके बात की गई है। इवनिंग शाम, इवनिंग का मीनिंग बेटा शाम, स्टार सितारा, तो शाम का सितारा ज़रूर चमकता है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जो लास्ट लेक्चर था तो उसमें मैंने आपको इम्फैटिक सेंटेंसेस समझाए थे टेंस के हवाले से, और मैंने कहा था कि लाजमी या ज़रूर का लफ्ज़ जो है इन फ़िक्रों में ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें मैंने किया है, द इवनिंग स्टार डज शाइन, शाम का सितारा ज़रूर चमकता है। ज़ाहिर है जब शाम होती है मगरिब के बाद, ठीक है ना, रात हो जाती है तो आसमान पर सितारे चमकती हैं और ज़रूर चमक, लाजमी चमकती हैं, और रात हो सितारे ना हो ऐसा तो होता नहीं, ठीक है ना बेटा। बादल भी जो है ना रोज़ तो नहीं होते, कभी कभार होती हैं, तो रात को सितारे आसमान पर ज़रूर चमकते हैं, इस हवाले से इम्फैटिक सेंटेंस है। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन, शाम का सितारा ज़रूर चमकता है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, बर्ड्स परिंदे, बर्ड्स बेटा परिंदे, साइलेंट खामोश, नेस्ट घोंसला, परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं। साइलेंट का मीनिंग बेटा खामोश, परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और एंड का मतलब बेटा, और सीक का मतलब तलाश करना, या सबक में जो हम यूज़ करेंगे वो तलाश करना, वैसे इसका मीनिंग मांगना भी होता है। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, माइन का मीनिंग बेटा मैंने इधर लिखा है अपना आप, मलकियत के हवाले से बेटा, ठीक है ना, ये प्रोनाउन है, माइन प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये ग्रामर के हवाले से है बेटा। और मैं अपना आप तलाश करता हूँ, ठीक है, और मैं अपना आप तलाश करता हूँ, या दूसरी तरह से ट्रांसलेशन हो सकती है, एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, मस्ट चाहिए के हवाले से यूज़ होगा, और मुझे अपना आप तलाश करना चाहिए, दोनों तरह ठीक है बेटा। द मून चांद, द मून चांद, लाइक अ फ्लावर फूल की तरह, द मून लाइक अ फ्लावर चांद फूल की तरह, इन हेवन्स हाई बोअर, हेवन
जन्नत को, ठीक है ना बेटा, बहिश्त को कहा जाता है। यहाँ इस लेसन में, इस पोइम में इसका मीनिंग बेटा आसमान लेंगे हम। इन हेवंस हाई, ब्लंद ऊंचा, बोअर खलबत खाना, तन्हाई वाली, जहाँ बिल्कुल बंदा अकेला हो, ठीक है ना, तो वो खलबत खाना कहलाता है उर्दू में, तन्हाई वाली जगह जिसे हम इंग्लिश में बोअर कहते हैं। इन हेवंस हाई बोअर, आसमान के ऊंचे खलबत खानों में, आसमान के ऊंचे खलबत खानों में, विद साइलेंट डिलाइट, साइलेंट ऑलरेडी मैंने मीनिंग आपको बताया हुआ है, खामोश, डिलाइट खुशी, खामोश खुशी के साथ, ठीक है ना, गहरी खामोश, साइलेंट, खामोश खुशी के साथ, विद का मीनिंग बेटा के साथ, सिट्स बैठता है, एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, और रात पर मुस्कुराता है, ठीक है ना, सिट्स बैठता है, स्माइल मुस्कुराना, मुस्कुराता है नाइट रात। इसके बेटा शायर का नाम विलियम ब्लेक है, ठीक है ना, तो शायर का नाम ज़रूर याद रखा करें। फिर से देखें, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है, द इवनिंग स्टार डज शाइन, शाम का सितारा ज़रूर चमकता है, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं, एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मैं अपना आप तलाश करता हूँ, या और मैं और मुझे अपने आप को तलाश करना चाहिए, द मून लाइक अ फ्लावर, चांद फूल की तरह, इन हेवंस हाई बोअर, आसमान के ऊंचे खलबत खानों में, विद साइलेंट डिलाइट, खामोश खुशी के साथ, सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, बैठता है और रात पर मुस्कुराता है। तो आगे इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेज हैं वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।